हाय गाइस, वेलकम टू लेट्स लर्न बायोलॉजी। आई एम सुमन भारती और मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आज ये क्वेश्चन आंसर का हमारा थर्ड क्लास है। पिछली दो क्लासेस में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक आप लोगों के साथ डिस्कस किया है और उसका वीडियो भी मैंने डाला है। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो जा कर के देखें। ठीक है, वो प्लेलिस्ट को चेक करें। आज हमारा ये क्वेश्चन आंसर का थर्ड क्लास है और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 10th क्लास है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 9? गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द क्लासेस ऑफ किंगडम फंगी अंडर द फॉलोइंग, दैट मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के आधार पर फंगी को बांटना है। ठीक है, तो देखिए फंगी सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है आपका बेसिडियोमाइसिटीज और चौथा है आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, हम लोग एक एक करके इसे देखेंगे। फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है, दिस ग्रुप ऑफ फंगी इंक्लूड्स मेंबर्स सच एज राइजोपस, एल्बुगो एट्सेट्रा, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स और आर फाउंड ऑन डिकेइंग मैटर सच एज वुड। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, वो डिकेइंग फूड या वुड के ऊपर, मरे हुए प्लांट्स के ऊपर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू मोटाइल जूस्पोर और नॉन मोटाइल प्लेनोस्पोर दैट आर प्रोड्यूस्ड एंडोजेनियसली इन स्पोरेंजियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मे बी ऑफ आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस टाइप्स। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल्ड जाइगोस्पोर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है जो कि मोटाइल होता है या फिर नॉन मोटाइल भी हो सकता है, तो उसे हम लोग आप प्लेनोस्पोर बोलते हैं। ठीक है, और ये एंडोजेनसली मतलब स्पोरेंजियम के अंदर में प्रोड्यूस्ड होता है जूस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या ओगैमस, ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं और इनमें जो जूस्पोर पाए जाते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं। ठीक है, अब आपका है बी नंबर, एस्कोमाइसिटीज। दिस ग्रुप ऑफ फंगी इंक्लूड्स मेंबर्स सच एज पेनिसिलियम, एस्परगिलस, कैल्विसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल है पेनिसिलियम, एस्परगिलस, कैल्विसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दे आर सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक और कॉप्रोफिलस दैट इज ग्रोइंग ऑन डंग। ये क्या है, सेप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, ये डिकम्पोज करते हैं, दैट मीन्स कि ये पैरासाइट्स टाइप के होते हैं और ग्रोइंग ऑन डंग, ये गोबर के ऊपर ग्रो करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, कॉप्रोफिलस होते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स थ्रू असेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली सच एज कोनिडिया प्रोड्यूस्ड ऑन कोनिडियोफोर। इनमें जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया फॉर्मेशन के थ्रू होता है और कोनिडिया का फॉर्मेशन एक्सोजेनसली होता है कोनिडियोफोर्स में, वो कोनिडियोफोर्स के बाहर में, बाहरी सरफेस में प्रोड्यूस्ड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू एस्कोस्पोर प्रोड्यूस्ड एंडोजेनियसली इन सैक लाइक एस्की एंड अरेंज्ड इनटू एस्कोकार्प। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एस्कोस्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है जो कि एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होता है, मतलब एक सैक लाइक एस्की पाया जाता है उनमें, एक बैग लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसे एस्की बोलते हैं, उसके अंदर एस्कोस्पोर प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, अब है हमारा बेसिडियोमाइसिटीज। दिस ग्रुप ऑफ फंगी इंक्लूड्स मेंबर्स सच एज अस्टिलेगो, एग्रिकस एंड पसीनिया। इनमें 3 एग्जांपल्स है बेसिडियोमाइसिटीज में, ऑस्टिलेगो, एग्रिकस एंड पसीनिया। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दे ग्रो एज डिकम्पोजर्स इन सॉइल और ऑन लोग्स एंड ट्री स्टम्प्स। दे ऑल्सो ऑकर्स एज पैरासाइट्स इन प्लांट्स कॉजिंग डिजीज सच एज रस्ट एंड स्मट्स।
ये जो है वो एक डिकम्पोजर का काम करते हैं, किसी भी मरे हुए या सड़े हुए चीज़ों में को डिकम्पोज करने का काम करते हैं, जैसे कि ट्री स्टम्प्स हो गए या डिकेइंग वुड हो गए ये सारे। और ये पैरासाइट्स भी होते हैं, ये प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट्स की तरह ग्रो करते हैं। पैरासाइट्स की तरह जो ग्रो करते हैं वो एक डिज़ीज़ कॉज करते हैं प्लांट में, वो रस्ट या स्मट्स के रूप में डिज़ीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इनका रिप्रोडक्शन देखेंगे। इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस कॉमनली थ्रू फ्रैगमेंटेशन। असेक्सुअल स्पोर आर एबसेंट, सेक्स ऑर्गन आर एबसेंट, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू प्लाज्मोगैमी। इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ हाइफी। द रिजल्टिंग डायकैरियन गिव्स राइज टू बेसीडियम। फोर बेसीडियो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ बेसीडियम। इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है। असेक्सुअल स्पोर्स इनमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। सेक्स ऑर्गन इनमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? प्लाज्मोगैमी के थ्रू होता है। प्लाज्मोगैमी क्या होता है ये मैंने इसके चैप्टर में अच्छे से डिटेल से पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ वो वीडियो जा कर के देखें। इट इज़ इन्वॉल्व फ्यूज़न ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ हाइफी। इनमें दो डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ हाइफी का फ्यूजन होता है प्लाज्मोगैमी में, और उसके बाद ये डाइकैरियन स्टेज का निर्माण करते हैं, ठीक है। डाइकैरियन स्टेज का निर्माण करने के बाद ये फोर बेसीडियो स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं इनसाइड द बेसीडियम, ओके। अब है हमारा ड्यूटेरोमाइसिटिस। दिस ग्रुप ऑफ फंगी इंक्लूड्स मेंबर्स सच एज अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा एंड कलेक्ट्रिकम, ओके। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जैसे सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स वाइल अदर्स आर पैरासाइट्स। हाउएवर अ लार्ज नंबर एक्ट एज डिकम्पोजर्स ऑफ लीफ लिटर्स। इनमें कुछ जो है सेप्रोफाइट्स होते हैं और कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं, ठीक है, जो डिकम्पोज करते हैं लीफ को, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? लीफ लिटर बोला जाता है। अब है इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इज़ द ओनली वे ऑफ रिप्रोडक्शन इन ड्यूटेरोमाइसिटीज। इट ऑकर्स थ्रू असेक्सुअल स्पोर्स, दिस इज कॉल्ड कोनीडिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एबसेंट इन ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज में है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एबसेंट होता है। इनमें किसी भी तरह का कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, और इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनीडिया फॉर्मेशन के थ्रू होता है, ओके। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? तो हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या है। सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट है हमारा यूग्लिनॉइड्स सच एज यूग्लिना। यूग्लिनॉइड्स का एग्जाम्पल यूग्लिना है। आर यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट कॉमनली फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये यूनिसेलुलर होते हैं और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इंस्टीड ऑफ सेल वॉल अ प्रोटीन रिच सेल मेम्ब्रेन नोन एज पेलिकल इज प्रेजेंट। इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, लेकिन प्रोटीन रिच सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसे पेलिकल बोला जाता है, ओके। दे बियर टू फ्लैजिला ऑन द इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। ये दो फ्लैजिला पाया जाता है इनकी बॉडी के इंटीरियर पार्ट पे, ठीक है। अ स्मॉल लाइट सेंसिटिव आई स्पॉट इज प्रेजेंट। इनमें लाइट को सेंसेस करने के लिए, लाइट का सेंसेशन करने के लिए इनमें आई स्पॉट पाया जाता है स्मॉल, जो लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है। दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सच एज क्लोरोफिल एंड कैन दस प्रिपेयर देयर ओन फूड। हाउएवर इन एब्सेंस ऑफ लाइट दे बिहेव सिमिलर टू हेटरोट्रॉप्स बाय कैप्चरिंग अदर स्मॉल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? जब इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अगर इनमें प्रेजेंट होता है और अगर ये लाइट प्रेजेंट होता है, ये तो अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। दैट मींस कि ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और ये हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं। जब लाइट एब्सेंट होता है, लाइट प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये हेटरोट्रॉप्स की तरह एक्ट करते हैं। ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को कैप्चर करके उन्हें मार के खा जाते हैं, ठीक है।
अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव बोथ प्लांट एंड एनिमल्स लाइक फीचर विच मेक्स देम डिफिकल्ट टू क्लासिफाई। इनमें प्लांट और एनिमल्स दोनों तरह के फीचर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्लासिफाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। ओके, इन्हें क्लासिफाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरसेस विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ऑल्सो नेम 4 कॉमन वायरल डिजीज। वायरसेस के बारे में बताना है कि उनका जेनेटिक मटेरियल और स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, वायरसेस आर सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट दैट कैन इन्फेक्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अ वायरस कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट। द जेनेटिक मटेरियल मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए। वायरसेस जो हैं सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। ठीक है, वो इन्फेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। इनमें क्या है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन कोट से सराउंडेड होता है। ठीक है, बाहरी जो परत है वो प्रोटीन कोट का बना हुआ होता है और इनमें डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वायरसेस इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वायरसेस, उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ऑन द अदर हैंड द वायरसेस इन्फेक्टिंग एनिमल्स हैव सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो वायरसेस एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। ठीक है, या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी पाया जाएगा। बैक्टीरियोफेज और वायरसेस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया मोस्टली हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बैक्टीरियोफेज और वायरसेस जो हैं, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। दियर प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर सब यूनिट्स। इनका जो प्रोटीन कोट होता है वो कैप्सिड का बना हुआ होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, कैप्सोमियर सब यूनिट्स। इनके सब यूनिट्स को कैप्सोमियर बोलते हैं। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। इनका जो कैप्सोमियर होता है वो हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में अरेंज होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं कि वायरसेस के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला है एड्स, स्मॉल पॉक्स, मम्प्स एंड इन्फ्लुएंजा आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वायरल डिजीज़। वायरस के इन्फेक्शन से एड्स, स्मॉल पॉक्स, मम्प्स एंड इन्फ्लुएंजा ये सारे डिजीज़ होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइज अ डिस्कशन इन योर क्लास ऑन द टॉपिक आर वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग। इसमें क्या है, एक डिस्कशन को ऑर्गेनाइज करना है कि वायरसेस जो है हमारी वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो चलिए देखते हैं आंसर में। वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। अ वायरसेस कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए और आरएनए कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट। वायरसेस क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। ये डीएनए और आरएनए से कवर्ड होते हैं। इनमें एक प्रोटीन कोट भी पाया जाता है और इनका जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। दिस प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए और आरएनए सजेस्ट दैट वायरसेस आर अलाइव। क्योंकि इनमें डीएनए या आरएनए पाए जाते हैं, इसलिए ये ऐसा माना जाता है कि ये अलाइव है, मीन्स कि ये लिविंग है। इन एडिशन दे कैन ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट इनसाइड द होस्ट सेल। जब ये होस्ट सेल के अंदर जाते हैं तो एनवायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं इन अ लिमिटेड मैनर। ठीक है, हाउएवर सम अदर कैरेक्टर सच एज देयर इन एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस विदाउट यूजिंग द होस्ट सेल मशीनरी एंड देयर असेलुलर नेचर इंडिकेट दैट वायरसेस आर नॉन लिविंग। देयरफॉर क्लासिफाइंग वायरसेस हैज रिमेन्ड अ मिस्टीरी ऑफ फॉर मॉडर्न सिस्टमैटिक्स। वायरसेस जब किसी बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं और वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं इन्वायरमेंट को, लेकिन जब वो होस्ट बॉडी के बाहर रहते हैं तो वो उनमें कोई भी एबिलिटी नहीं पाई जाती है रिप्रोडक्शन की। वो असेलुलर कंडीशन में रहते हैं,
उनमें किसी तरह का कोई एक्टिविटी नहीं होता है, तो वो एक नॉन लिविंग की तरह एक्ट करते हैं। इसलिए ये नॉन लिविंग और लिविंग दोनों की तरह नेचर को शो करते हैं, इसलिए अभी तक इन्हें क्लासिफाई नहीं किया जा पा रहा है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर का सेशन अच्छा लगा हो, ये क्लास अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और टेलीग्राम पे हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी। थैंक यू।